नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति धन्य महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सेक्स करने का जो प्रॉब्लम है, मतलब सेक्स नहीं होता है जो प्रॉब्लम है, उससे बाकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम कैसे आते हैं उसके बारे में। तो मैं केस स्टडी आपके सामने लाया हूँ। एक 46 साल के व्यक्ति है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, और इनको ये प्रॉब्लम है कि एक मिनट के अंदर ही उनका शीघ्र पतन हो जाता है और सेक्स करने के समय जितनी चाहिए उतनी कठोरता नहीं आती, टाइटनेस नहीं आता है। तो कम टाइटनेस में ही उनको शुरू करना पड़ता है और एक मिनट के अंदर जल्दी निकल जाता है। अभी इससे क्या हो जाता है कि इससे उनको आती है अपराधीपन की भावना, अपराध बोध की भावना, गिल्टी फीलिंग, क्योंकि वाइफ बोलती है अरे ये क्या हो गया, एक बार इजैकुलेशन हो गया, पतन हो गया, बाद में लिंग ढीला हो जाता है, वो भाई हो जाते, भाई बोलते अरे क्या हो गया है, क्यों रुक गए, फिर वो कुछ भी कारण बताएगा, नहीं नहीं मेरे को दर्द कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मगर एक दो दिन ठीक है, बाकी दिन क्या है। तो उनको क्या हो गया, फिर एक धौस जैसी बैठ गई कि अरे बाप रे ये ऐसा होता है, फिर नकारात्मक भावना आ गई कि नहीं मेरे में कुछ तो भी कमी है और मैं मेरे पत्नी का समाधान नहीं कर सकता। अभी ये तो उन्होंने खुला बोला नहीं कि भाई मेरे में प्रॉब्लम है, मैं समाधान तेरा नहीं कर सकता हूँ, मेरे को शीघ्र पतन होता है, जल्दी निकल जाता है और टाइट भी नहीं होता, ये बोला नहीं खुला। फिर क्या करना है, फिर लोग यूजली क्या करते हैं, भलती जगह ही पत्थर मारते हैं, मतलब कैसा है कि अभी उसके कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स करते जाना वाइफ के, तूने चाय गर्म नहीं दिया, खाना गर्म नहीं था, फिर तूने बाथरूम में लाइट इसको सॉरी फिर तुमने बाथरूम में नहाने को बहुत टाइम लगा दिया, मेरे को जाना था, फिर आपने ऐसा किया, फिर कपड़े बराबर रखे नहीं टाइम, उन्हें ऐसा कुछ तो भी निकालना और झंझट करना, चिढ़ना जानबूझ के, क्योंकि फिर वो ऐसा चिढ़ेंगे तो फिर वो सेक्स डिमांड नहीं करेंगे, इसलिए कि भाई वो सेक्स डिमांड नहीं करेगी, या डिमांड करेंगी तो बोले चला सुधर तू ऐसी कर दिया ना करके मैं सेक्स नहीं कर रहा हूँ, ऐसा उसने उल्टा चालू किया, उसके ऊपर दोषारोपण करना, उसकी गलतियाँ निकालना, जानबूझ के गलती नहीं तो भी गलतियाँ निकालना, उससे क्या होगा, क्या हो गया कि झंझट चालू हो गई, रोज झगड़े और फिर सेक्स करने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि फिर तो भी झगड़ा करके बेड पर जा रहे हैं तो सेक्स के हाथ भी लगाते नहीं किसी को। फिर क्या हो गया कि इसमें इनको जैसे 3-4 महीने हो गए, फिर उसको एक दिमाग में खटाक से विचार आया कि मैं तो ऐसा ड्रामा पार्टी कर रहा हूं, उसकी गलतियां निकाल रहा हूं, झगड़ा झंझट कर रहा हूं, इसमें ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये और कहीं लग जाएंगी किसके साथ में, और वो विचार एक बार आने के बाद में क्या होगा, विचार बार 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 आने लगा, जैसा बार बार आने लगा विचार, एक उसके ऊपर धीरे उसका बिलीफ भी बनना चालू हो गया, फेथ, और फिर वो उसके ऊपर नजर रखने लगा, ये कहाँ जाती है, क्या करती, मोबाइल बताओ, ग्रुप, फिर और झगड़ा चालू कि तुम ऐसा क्यों मेरे ऊपर शक रहे, मतलब ये विशेष साइकिल बन गया। फिर सिंपल ये था कि जो प्रॉब्लम है उसका इलाज करो। अल्टीमेटली क्या हो गया कि वो मायके चली गई, पत्नी मायके चली गई, और फिर और प्रॉब्लम कि देखो ये रुकने को तैयार नहीं, उसका भरता बराबर नहीं, काम बराबर करती नहीं, मगर हुआ क्या कि एक अच्छी बात ऐसी हुई कि इसने अपने दोस्त को ये सब बता दिया कि मैं ऐसा ड्रामा पार्टी कर रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, फिर दोस्त ने मेरे पास में लाया उसको, बोले चल। फिर जब ये पूरी स्टोरी ये कहानी है ये सब क्लियर कर दिया मैंने, सब क्लियर हो गई, उसके बाद बोला भी जड़ जो है उसका इलाज करो, आपका ब्लड प्रेशर देखो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर देखो, कभी टेस्ट ही नहीं किया, शुगर हायर साइड पे है, डायबिटीज़ है, मतलब पहले ये ठीक करो तो आपका ठीक हो जाएगा बाकी सब, उसका थायराइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, बाकी सब जांच करवाई तो उसको बीपी और शुगर निकली, बाकी तो सब ठीक था, सिगरेट स्मोकिंग की आदत मैंने बोला पहले बंद करना पड़ता क्योंकि निकोटीन प्रॉब्लमेटिक है, तो सिगरेट स्मोकिंग बंद करवाया मैंने, शराब कभी कभी लेता मैंने पूरा बंद करो, और शुगर जैसा कंट्रोल में आ गया, बीपी कंट्रोल में आ गया, नेचुरली उसकी इच्छा होने लगी, और इच्छा होने लगी तो उसने फिर क्या किया, बुलाएंगे औरत को, और औरत को बुला के समझो वैसे हो गया, तो लोग क्या करते फिर टेस्ट कर लेते बाहर, वो टेस्ट करने के लिए गया, अब टेस्ट करने जाते तो फिर और टेंशन की मैं टेस्ट में सक्सेस हो लूंगा, वहां फेल हो गए,
अब वहां फेल हो गए, मेरे पास नहीं आया, देखो मैं तो फेल हो गया। मतलब भाई तू टेस्ट करने गए क्यों? और जब टेस्ट करना है तो बोलो सामने वाले को, मेरे को टेस्ट करना है, सपोर्ट कर, कोऑपरेट कर। क्या करते जो लोग जाते हैं वेश्या के पास में, सेक्स वर्कर के पास में जाते हैं, बोलते चलो 500 दो, 1000 दो, 2000 जो भी देते हैं, बोलते चलो जल्दी करो नहीं तो पुलिस आएंगी पकड़ लेंगी, चलो जल्दी फटाफट। और वो जल्दी जल्दी करवाने में होता ही नहीं है, पैसे भी फालतू जाते। मतलब ऐसा मत करो। फिर उनके एक दोस्त थे, उनके साथ में वो, उन्होंने सेक्स किया, उसको बता दिया पूरा, वो क्लियर हो गया, उनको कॉन्फिडेंस आया, बाद में पत्नी को बुलाया और पत्नी के साथ में भी उनका अच्छा चल रहा है। तो ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि डिवोर्स तक बारी आ गई, और डिवोर्स इसके लिए नहीं हो रहा कि इनको सेक्स नहीं हो रहा, डिवोर्स इसलिए हो रहा है कि इसका बर्ताव बराबर नहीं, बिहेवियर बराबर नहीं, उल्टी जवाब देती है, झगड़ा करती है, इसलिए। मतलब बीमारी कहीं और है, दवाई और कहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।